आज आप सबको ये बताते हुए मुझे प्रसन्नता है कि देश की एक बहुत उम्दा और बेहतरीन खिलाड़ी के रूप में, जिन्होंने पूरे भारत का और विश्व में भारत के साथ बिहार के भी नाम को बढ़ाया है, श्रेयसी सिंह जी, जिनको 2018 में उनकी विशिष्ट खेल जगत में उपलब्धियों के कारण अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। वो बिहार की पहली बेटी है जिनको राष्ट्रीय स्तर पर उनकी उत्कृष्ट योग्यता के कारण अर्जुन अवार्ड का पुरस्कार दिया गया। उन्होंने अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और विशेष रूप से वर्ष 2018 में भारत के गौरव को बढ़ाते हुए कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल भी हासिल किया। मुझे ये बताते हुए भी खुशी है कि मंच पर हमारे साथ उनकी माताजी माननीय पुतुल कुमारी जी हैं। उन्होंने भी बांका से लोकसभा में प्रतिनिधित्व किया है। श्रेयसी सिंह जी अपने पिता स्वर्गीय दिग्विजय सिंह जी के पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए बिहार की जनता की सेवा के लिए राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी है। उन्होंने अपनी बातचीत में भी बताया है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस आत्मनिर्भर भारत के लिए संकल्प लिया है, देश के नौजवानों को उसके साथ जोड़ने के लिए और खासकर बिहार के आत्मनिर्भर भारत, बिहार के विषय को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने पारिवारिक संस्कार के आधार पर लोगों की सेवा करते हुए आज अपने राजनीतिक पारी की भी शुरुआत की। भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं स्वयं, हमारे बिहार के विधानमंडल दल के नेता श्री प्रेम कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय महामंत्री मेरे साथी श्री अरुण सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे मीडिया सेल के प्रमुख श्री संजय मयूख जी, हम सब श्रेयसी सिंह जी का भारतीय जनता पार्टी के इस परिवार में स्वागत करते हैं और हम निश्चित रूप से ये आशा करेंगे कि वो अपने सक्षम, युवा, उत्साही और ऊर्जावान नेतृत्व के द्वारा आने वाले समय में लोगों का सेवा करेंगी, नेतृत्व करेंगी और एक आत्मनिर्भर बिहार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में अपना योगदान भी देंगी। पुनः मैं पूरी पार्टी की ओर से आज उनको भारतीय जनता पार्टी में जोड़ने के लिए स्वागत करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। मेरा सादर अनुरोध है श्रेयसी सिंह जी से कि आपको संबोधित करें। माइक ऑन कर दीजिए। मंच पर उपस्थित सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, मीडिया में आए सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। अपनी माँ का आशीर्वाद लेते हुए पुतुल कुमारी जी जो आज हमारे साथ मंच पर हैं, अपनी बड़ी बहन का आशीर्वाद लेते हुए मैं आज भाजपा में अपनी सदस्यता ग्रहण करती हूँ। आज मेरी सदस्यता ग्रहण करने का एक मुख्य कारण है कि मुझे अपने पिताजी दादा दिग्विजय सिंह के अधूरे सपने को आगे बढ़ाना है। आप सभी लोगों से एक आग्रह है कि कुछ क्षणों का मौन मेरे पिताजी को याद करते हुए रखें मेरे साथ। शुक्रिया। प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत की मुहिम में मैं उनके साथ हूँ और मेरी जितना क्षमता हो सकती है मैं उस क्षमता के साथ, पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ भारतीय जनता पार्टी का काम करूंगी और बिहार को एक संपूर्ण पूर्ण विकसित राज्य बनाने में उनका हाथ मजबूत करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। स्टैंड थोड़ा सा नीचे हो जाओ भाई।
निकाल दो ये।